इंडियस वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने डिस्कस किया था. लेट्स क्विकली रिवाइज दिस इंडियस वन. जितने जितने पॉइंट्स करते गए करते जा रहे थे, एक एक पॉइंट्स को मैं रिवाइज करते आ रहा हूं. सबसे पहले इंडियस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है. जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सकें, जनरल यूजर्स यूजर्स की जनरल नीड्स को फुलफिल कर सकें. दे आर नॉट टेलर्ड मेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. उसके बाद इंडियस वन कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अप्लीकेबल नहीं है एज फार एज स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स या स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद इसने जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है. नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के ऊपर भी इंडेक्स लगेगा, बट दे हैव टू चेंज द टर्म्स. मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियलिटी किसी भी इंफॉर्मेशन को मटेरियल कब मानेंगे? जब उसका ओमिशन होना, जब उसका मिसस्टेटमेंट होना, या फिर जब उसका ऑब्सक्योर होना यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे. अगर उसके ओमिशन से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है. या तो ऑब्सक्योर होने से या तो मिसस्टेट होने से अगर यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यूजर उसी बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई ना कोई डिसीजन लेने वाला है. ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब इस तरीके से कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को कि वो एज गुड एज ओमिशन में हो जाए, वो एज गुड एज ओमिटेड हो जाए, या वो एज गुड एज मिसस्टेट हो जाए. ओमिशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे हमने, लगभग उसके 5 एग्जांपल्स थे. पहला एग्जांपल था कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट तो किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया, और इन लैंग्वेज जो यूज की गई है वो बहुत ही वेग है और डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली. सेकंड, पूरी इंफॉर्मेशन को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक प्लेस पर नहीं रखा गया है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्कैटर कर लिया गया है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जगह 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 उसको स्कैटर कर दिया गया है. कोई बच्चे का अनम्यूट दिख रहा है मुझे, प्लीज 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 म्यूट कर दो. यस, द थर्ड वन इज डिससिमिलर आइटम्स. डिससिमिलर आइटम्स को बेवजह अग्रीगेट करके, इनअप्रोप्रिएटली अग्रीगेट करके दिखाया गया है ताकि इंफॉर्मेशन छुपाई जा सके. मैंने सेल ऑफ प्रोडक्ट वाला एग्जांपल दिया था. सिमिलर आइटम्स को बेवजह डिसअग्रीगेट कर दिया गया है इनअप्रोप्रिएटली, जबकि उनको अग्रीगेट करके दिखाना चाहिए था. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी को रिड्यूस करने के पर्पस के लिए उन्होंने मटेरियल इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया. किस बेसिस पर? कि उन्होंने इमटेरियल इंफॉर्मेशन इतनी दिखा दी कि उससे इमटेरियल इंफॉर्मेशन को का इंपॉर्टेंस खत्म करने के उद्देश्य से इमटेरियल इंफॉर्मेशन को ज्यादा दिखा दिया. तो ये सारी चीजें हैं आपकी ऑब्सक्योर. नोट्स क्या होता है? नोट्स, आपके नोट्स के अंदर डिसएग्रीगेशन ऑफ आइटम्स आते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन आते हैं. ओसीआई इज अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दोज आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द रेलेवेंट इंडेस. ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस जिनको पीएनएल में नहीं डालना है कुछ टाइम तक या फिर हमेशा के लिए, क्योंकि वो अनरियलाइज नेचर के हैं, और उन आइटम्स को, क्योंकि वो है तो इनकम और एक्सपेंस, तो उन आइटम्स को हम सेपरेटली शो करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द पीएनएल में. और वो सेकंड पार्ट ऑफ द पीएनएल जो होता है उसको बोलते हैं ओसीआई. और ओसीआई के अंदर जितने भी आइटम्स डिफाइंड होते हैं उनको दो में से किसी एक कैटेगरी में रखा जाता है, आरपीएल एनआरपीएल, रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल. रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि किसी आइटम को आपने ओसीआई में पहले डाला था पिछले साल या करंट ईयर में, अब वो रियलाइज हो गया तो उसको आप पीएनएल में जाके रिक्लासिफाई कर रहे हो. कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 7 आइटम्स आते हैं. पहला बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसके अंदर दो सेक्शन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई, और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, चौथा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होता है, पांचवा कंपैरेटिव्स होते हैं, छठा नोट्स, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होता है. मैंने 5 बोल दिया कि छठे बोल दिया, आई डोंट नो, जो भी बोल दिए देख लेना. फिर उसके बाद हमारा और कौन सा होता है? यस, हमने, मैंने सही बोला, उसके लास्ट होता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट इन केस ऑफ एनी रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट और रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट. अगर हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करते हैं, रिक्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसे केस में हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है प्रीसीडिंग ईयर के बिगिनिंग पे, और उसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट लाइबिलिटीज में हमें इफेक्ट देने पड़ते हैं, तो वो एक थर्ड बैलेंस शीट होता है. क्या थर्ड बैलेंस शीट हमें हमेशा बनाना पड़ता है? नहीं, दो केसेस में बनाना पड़ता है. पहला, जब आप फर्स्ट टाइम इंडेस को फॉलो कर रहे हो, एएस से इंडेस पे आ रहे हो. दूसरा, इंडेस फॉलो कर चुके हो फिर भी आप ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट तब बनाओगे जब आप कोई रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स करोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करोगे, रिक्लासिफिकेशन
रिटर्न्स करोगे और वो मटेरियलिटी मटेरियल है, वो रिक्लासिफिकेशन मटेरियल है, तो ऐसे केस में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट पिछले साल के बिगनिंग में बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वाइल प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द यूजर्स, एंटिटी हैज टू मेक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। इसका मतलब उन्होंने अगर सारे इंडियंस का कंप्लायंस किया भी है तो भी उनको अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि यस वी हैव कंप्लाइड विथ ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विथ नो एक्सक्लूसिविटी विथ नो क्या बोलते हैं एक्सेप्शन। और ये अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब वही कि हमने ऐसा ना कि भाई ये इंडियंस अप्लाई कर दिया पर ये वाला इंडियंस छोड़कर या इस इंडियंस की ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को छोड़कर किया है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो माना जाएगा कि आपने इंडियंस का कंप्लायंस नहीं किया है, ऐसे केस में ऑडिटर क्वालिफाइंग रिपोर्ट दे सकता है। हालांकि मैनेजमेंट के पास एक एक्सेप्शन भी है कि अगर उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर इंडियंस की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड होते हैं और आपके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेशंस आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो आपको अलाउ करते हैं उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को डेविएट करने से, मतलब चाहो तो तुम फॉलो मत करो क्योंकि मिसलीड हो रहा है, तो तुम्हें वो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन परमिट कर रही है या फिर रोक नहीं रही है इस तरीके से, तो बेसिकली ऐसे केस में मैनेजमेंट उससे डेविएट कर सकता है। डेविएट मतलब उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करे बिना बाकी आगे बढ़ सकता है, पर उसको ये रीजंस बताना पड़ेगा, उसको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आगे चल के बात करें तो इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप सिर्फ डिस्क्लोजर के बेसिस पर चेंज नहीं कर सकते हो या उसको बेसिकली रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, तो आपको उसका रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वापस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमें हमेशा गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। हालांकि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन होने के बावजूद एंटिटी को लगता है कि कोई डाउट है, हमें ऐसा लगता है कि कोई डाउट है, सिग्निफिकेंट डाउट है कि आगे चल के में भी शायद हमारा गोइंग कंसर्न कंटिन्यू ना हो पाए, अभी तो हमें गोइंग कंसर्न हम बना रहे हैं बट स्टिल वी आर इन अ डाउट सिचुएशन, इट का जो सिचुएशन है उसमें गोइंग कंसर्न के कंटिन्यूशन पर डाउट हो रहा है, तो ऐसे केस में ये फैक्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स देखना जरूरी है, अगर मिनिमम 12 मंथ्स पीरियड देख रहे हैं तो आप गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बना सकते हो। ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अक्रूअल बेसिस पे बनने चाहिए, कैश बेसिस अलाउड नहीं है, ऐसा इंडियंस का कहना है। आप इंडेक्स का ये भी कहना है कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो असेट को लायबिलिटी के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते हो जब तक कोई दूसरा इंडेक्स आपको स्पेसिफिकली रिक्वायर ना करे, जैसे कि इंडेक्स 12 कहता है कि आप डीटीए को डीटीएल से नेट ऑफ कर सकते हो कुछ कंडीशन फुलफिल करने पर, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स 32 कहता है कि आप फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को नेट ऑफ कर सकते हो कुछ कंडीशन फुलफिल करने पर। ठीक है, वैसे ही इनकम्स और एक्सपेंसेस को भी नेट ऑफ नहीं कर सकते हो, इंडेक्स 1 का कहना है जब तक आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स अलाउ ना करे उस इनकम और एक्सपेंस के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो मिनिमम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रिपोर्टिंग पीरियड होना चाहिए वो 12 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए, मतलब एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड होना ही चाहिए मिनिमम, उससे भी ज्यादा हो सकता है, यहां कोई मैंडेटरी नहीं है कि बस 12 मंथ का ही होगा, पर अगर 12 मंथ से कम हुआ तो हम उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, उसको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या हमें अपनी प्रेजेंटेशन अपने क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स की कंसिस्टेंट मैनर पे फॉलो करना चाहिए? ऑफ कोर्स बोलने की क्या बात है, बट अगर हम उसको कंसिस्टेंट मैनर पे फॉलो नहीं कर पा रहे, हमें अगर प्रेजेंटेशन को चेंज करना पड़ रहा है, हमें अगर आइटम्स को चेंज करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हमें बेसिकली क्या बोलते हैं अपने हमें क्या बोलते हैं या तो इंडेक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो इंडेक्स हमें कहे या तो हमें ऐसा लगे कि भाई हम ये जो चेंज कर रहे हैं इससे मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दिखा पाएंगे। प्रेजेंटेशन मोर अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि यूजर को डिसीजन लेने में और आसानी होगी, ऐसा हो पाएगा तो भी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कंसिस्टेंट मैनर में आप अपने प्रेजेंटेशन को और आइटम्स के क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन मतलब लाइन आइटम्स को आप करंट में डालोगे नॉन करंट में डालोगे उनकी बात चल रही है, तो उनको आप कंसिस्टेंट मैनर पर प्रेजेंट करोगे, चेंज कर सकते हो इंडेक्स के कहने पर या फिर अगर आपको लगता है कि मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा। मोर अप्रोप्रिएट मतलब इकोनॉमिक डिसीजंस आसानी से लिए जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोशिश करके एंटिटी का नाम, अगर नाम में कोई चेंज हुआ है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन है या फिर कंसोलिडेटेड है, डेट ऑफ एंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या है, ये सब आपको मैक्सिमम प्लेसेस पर दिखाना है।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यस, करंट नॉन करंट के क्लासिफिकेशंस पे आपको ध्यान रखना है, हालांकि आप लिक्विडिटी बेसिस पर भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो या दोनों को मिक्स करके कर सकते हो। फिर हमने देखा कि इंड एज वन ने मिनिमम लाइन आइटम्स प्रोवाइड किए हैं कि भाई आपको ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये मिनिमम लाइन आइटम देने हैं, जिसके अंदर गुडविल नहीं था, जिसके अंदर इंटेंजिबल असेट सिंगल करके था, ठीक है, वैसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह भी नहीं था। फिर उसके बाद करंट असेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी शेड्यूल 3 में पढ़ चुके थे, सेम है, ऑपरेटिंग साइकिल और नॉन ये करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये हमारा शेड्यूल 3 में ऑलरेडी कवर हो चुका था। फिर उसके बाद मेजरली दो पॉइंट्स का हमने और अच्छे से देखा, एक होता है रीफाइनेंसिंग जिसको हम रोल ओवर करते हैं, और रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि बैंक ने, लोन प्रोवाइडर ने हमें ऑप्शन दिया है कि हम अपने लोन को लॉन्ग टर्म बेसिस पर आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब टेक्निकली वो हमारा लोन विद इन 12 मंथ रीपे होने वाला है, मतलब वो अभी करंट लायबिलिटी है बट वो फ्यूचर में, मतलब हम उसको आगे बढ़ाने का हमारे पास ऑप्शन है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, मतलब 12 महीने से बियॉन्ड जा सकते हैं। तो अगर वो रीफाइनेंसिंग अग्रीमेंट जो हुआ है वो बैलेंस शीट डेट के बाद अग्रीड हुआ है, बैलेंस शीट डेट तक कोई चांसेस नहीं थे, तो ऐसे केस में हम इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे और बैलेंस शीट डेट पर हम इसको करंट लायबिलिटी ही कंटिन्यू करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, भले वो बैलेंस शीट डेट के बाद लॉन्ग टर्म हो चुका है। पर दूसरा कंडीशन ये था कि बैलेंस शीट डेट पर ये एंटिटी के डिस्क्रिशन पे था कि वो रोल ओवर कर सकती है, मतलब उसको ऑफर दे दिया गया था, बैंक ने अप्रूव कर दिया था, ये तो एंटिटी के डिस्क्रिप्शन पर था कि आप चाहो तो रोल ओवर कर सकते हो। तो ऐसे केस में एंटिटी को अगर लगता है कि हाँ हमें लगभग हमारा डिसाइड है कि हम रोल ओवर करेंगे, बैलेंस शीट डेट पर ऐसा लग रहा था, तो डेफिनेटली आप उसको फिर 12 मंथ के बजाय, मतलब करंट लायबिलिटी के बजाय आप उसको लॉन्ग टर्म नेचर का दिखा सकते हो। एट द रिपोर्टिंग डेट इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट एंड हैज डिस्क्रिशन टू रिफाइनेंस और रोल ओवर द ऑब्लिगेशन ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स, ट्रीट द फाइनेंशियल लायबिलिटी एज नॉन करंट इवन इफ इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ। बैलेंस शीट डेट पर हालांकि वो विद इन 12 मंथ में खत्म होने वाला था, पर बैलेंस शीट डेट पर ही लगता है कि हमारे पास चॉइस है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और हम करेंगे ऐसा हमें लगता है, तो हम उसको फिर नॉन करंट दिखा सकते हैं। द सेकंड पॉइंट वॉज ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट्स। टेक्निकली हमारे पास जो आज एक लोन चल रहा है वो एक लॉन्ग टर्म नेचर का है, हमने उसको अपनी नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया हुआ है, अचानक से हमने उस लोन के प्रोविजन अग्रीमेंट के सारे क्लॉजेस में से किसी एक क्लॉज का ब्रीच कर दिया, मतलब हमने फॉलो नहीं किया, और अकॉर्डिंग टू द लोन अग्रीमेंट अगर हम ब्रीच ऑफ प्रोविजन करते हैं तो हमारा लोन रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, तो ऐसे केस में वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो मैंने मान लो ब्रीच ऑफ प्रोविजन किया और कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाया, मैं बैलेंस शीट डेट पर ब्रीच ऑफ प्रोविजन हो चुका है, बैलेंस शीट डेट के बाद भी जो मेरा लेंडर है, मतलब जिसने मुझे लोन दिया था, उसने किसी प्रकार का कोई भी मेरे साथ समझौता नहीं किया है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, वो नहीं मान रहा है, तो मैं उसको करंट मानूंगा, मैं बैलेंस शीट डेट पर बोल दूंगा कि भैया ये तो रीपेबल ऑन डिमांड हो गया। अब वो केस कौन सा है, जब बैलेंस शीट डेट से पहले ही मैं डिफॉल्ट कर चुका हूं, मतलब ब्रीच ऑफ प्रोविजन बैलेंस शीट डेट से पहले कर चुका हूं। याद रखिएगा सारे के सारे ब्रीचेस बैलेंस शीट डेट से पहले होने चाहिए, अगर ब्रीच बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप बैलेंस शीट डेट पर उसको हमेशा लॉन्ग टर्म ही दिखाओगे। बट बैलेंस शीट डेट से पहले ब्रीच हो चुका था और बैलेंस शीट डेट पर मैंने ब्रीच होने के बाद बैलेंस शीट डेट पर ही मैंने लेंडर से ग्रेस पीरियड मांग लिया है, मतलब अभी बैलेंस शीट डेट ही चल रही है और लेंडर ने मुझे ग्रेस पीरियड अलाउ कर दिया और मिनिमम ग्रेस पीरियड मुझे 12 महीने का अलाउ हो चुका है, मतलब मैं 12 महीने तक डिफर कर सकता हूं, ऐसे केस में मैं उसको नॉन करंट ही शो करूंगा, मैं उसको करंट शो नहीं करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर लेंडर अग्री हो जाता है कि चल माफ किया कोई बात नहीं, मत करना आज के बाद, तो ऐसे केस में फिर मैं उसको एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा, जहां मैं रीफाइनेंसिंग वाली टर्म को नॉन एडजस्टिंग मान रहा था तो यहां मैं उसको एडजस्टिंग इवेंट मानूंगा, और एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए मैं स्टिल बैलेंस शीट पे बोलूंगा कि ठीक है मुझे माफ कर दिया गया है, अप्रूवल अभी हुए नहीं है, तो ऐसे केस में मैं उसको स्टिल नॉन करंट ही कंटिन्यू करूंगा।